आखिर वास्ते जनाब सुफियान अपना सेकंड इनाम लड़ा दा आजा सुफियान मेरे को आजा सुफियान इधर बनदा आओ जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह मेरा ख्याल है कि कंगा लग गया हूं आकम मजीद आजी एक लाओ जी 100 पाउंड लाओ जी बिस्मिल्लाह जी दूसरा राउंड जी हा 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 क्या बात है जी ओए पुत्र बड़ी सोनी पगड़ी है भाई अरे हया के मजीद पठान चढ़ान दे माशाल्लाह माशाल्लाह जी रेफरी हजरत चौकस जी जिंदाबाद जिंदाबाद जी जियो आकम मजीद पुत्र जिंदाबाद भाई बाप पगड़ी छोड़िया चल गिन बहुत खूब जी जफर जी 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 ओ ओ ओ ओ इस तू बाद विकास जफर अपना दूसरा राउंड जल्दी मुकम्मल करेंगे जी एक बंदा सराज की तरफों बड़ा लंबा काजला जना परवान जी और अनेक साल 100 पाउंड इनाम रखा जी लो जी राजा सराज वैसे ब्रिटिश है जी और देसी करंसी तू वैसे भी वेख ले परहेज कर देना अपनी करंसी लेके आ जनाब लो जी लगा करना जी गल खलो के जी सब समझ गए जी गल है जी पाउंडा दी वैसे भी वीरपुर दे जलगार है माशाल्लाह माशाल्लाह कब मजीद छाने पर शहरबाज पगड़ी पा जी बाकी बंदे दूर हो जाओ जी जी 5000 रुपया जनीर बप्पू साहब सुन करो जी 1000 रुपया नीर साहब 500 मिठू आ जाओ जी
मिठू हो गया जलील पप्पू दियो जी जलील पप्पू जलील पप्पू 5000 रुपए लो जी ठीक है जी चौधरी वाजिद साहब ने 50 पाउंड इनाम दिता जी बड़ी मेहरबानी जी चौधरी वाजिद साहब नुमाल जी 50 पाउंड इंग्लिश करेंसी जी ठीक है जिन्ना रैफरियां कलमा पड़िया उन्होंने फैसला फालतू बंदू बाहर बोलने की कोई जरूरत अरे मेरा बगैर रैफरी और जज तू कोई नहीं बोल सकता मसेर खादम की गुल्ली याद करे जी मसेर सराज ठीक 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 ठीक